नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल मजुमदार, किशोर आर्ट स्कूल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं खास करके बिगिनर के लिए मैं ये किशोर आर्ट स्कूल के किशोर आर्ट क्लास वाले न्यू सेगमेंट लाया हूं। इसमें मैं उन सभी को ड्राइंग के छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिसको देख के करके आप लोग धीरे धीरे ड्राइंग करना सीख पाएंगे, यानी कि बिगिनर्स। तो मेरे चैनल किशोर आर्ट स्कूल को आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे क्लास को आप लोग देखिए और मेरे क्लास से जुड़िए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, है ड्राइंग करना अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को आज एक हाथी बनाना सिखाऊंगा। हाँ, सिंपल तरीके से कैसे हाथी बनाया जाता है वही दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहले हम हाथी के सूंड वाले हिस्से पर गौर करेंगे, एक कर्विंग लाइन हुआ। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर एक हाथी का कान देंगे उल्टा करके सी, तो यहाँ पर एक कान बन गया। अब इसके बाद आएगा धड़ वाले पोर्शन, यहाँ पर हम धड़ वाले पोर्शन करेंगे। ये हुआ धड़ वाले पोर्शन। अब उसके बाद इस पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ऊपरी छोर में जो हिस्सा है इसको हम डबल करेंगे, जिस एंगल पर आया है उसी एंगल पर हम डबल करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जोड़ दे, उसके बाद आके हम डबल करेंगे। यहां तक लाने के बाद हम करेंगे इसके दांत। तो हाथी का मुंह अगर ऊपरी सिरा पर है, सूंड भी ऊपरी सिरे पर है, तो दांत भी ऊपरी सिरे पर होगा, यानी कि ऐसा हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसका मुंह बनेगा। अब उसका मुंह आएगा, मुंह हुआ। अब इसका नीचे का पहला पैर आएगा। देखिए, इसको खड़ा मैंने नीचे तक उतार दिया, तो ये हुआ उसका पहला पैर का पोर्शन। अब यहां से हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको ऊपर तक उठा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आएगा दूसरी पैर वाला सेक्शन। देखिए, यहां तक लाया मैंने। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करके ये दो लाइन लगभग सेम हो ऐसी डिस्टेंस में जोड़ दें। तो देखिए, हाथी का एक प्राइमरी डायग्राम आपके पास आ गया है। अब इसके बाद आएगा पूंछ। देखिए, यहां पर पूंछ बन गया। अब उसके बाद आएगा हाथी के और दोनों पैर। यहां पर देखिए, पीछे के एक पैर यहां पर बन गया। अब आगे के और एक पैर बनना बाकी है। देखिए, यहां पर आगे की और एक पैर भी बन चुका है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे एक सिंपल तरीके से हाथी बन सकता है। अब यहां पर देखिए, आप भी बनेगा। आपके लिए पहले इस मस्तक के थोड़े से नीचे वाले पोर्शन में एक राउंड कीजिए, उसके अंदर एक छोटा डॉट कर दीजिए, तो आप लोगों को हाथी के आंख भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देखा कि कैसे हमने एक प्राइमरी तरीके से एक इजीली एक हाथी का ड्राइंग कर लिए। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे आशा है कि आप लोग ठीक से हाथी करना सीख पाएंगे। ये हाथी का एकदम प्राइमरी सेक्शन है। धीरे धीरे करके दूसरे वीडियो में मैं इसका एलाबरेट सेक्शंस करवाऊंगा, जो बड़े वाले जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या जिनको आर्ट करना आगे बढ़ाना इन सभी के शौक है, वो लोग इससे आगे का वीडियो देख सकते हैं। अभी तक जो बिगनर है उसके लिए मैंने ये वाला पोर्शन किया है। तो दोस्तों, मेरे चैनल किशोर आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को इससे हेल्प मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।